मैंने कोशिश करी थी डोंट लाइक अबाउट कनाडा, कि मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिनों से आप हमारी सारी बातें सुन के डेफिनेटली बोर हो गए होंगे, तो वी थॉट कि यू नो लेट लेट अस ब्रिंग इन समवन जो हमारी तरह ही न्यू इमिग्रेंट है, बट दे एक्चुअली केम लाइक 6 months बिफोर वी केम, तो उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। एंड गाइस, हम बात करेंगे उनको जॉब्स कैसे मिली, उनका बैकग्राउंड क्या है। वील ऑल्सो टॉक अबाउट यू नो दैट व्हाट दे स्ट्रगल्ड विद, आर दे रिग्रेटिंग देयर डिसीजन ऑफ कमिंग टू कैनेडा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गो टू आर लैपटॉप। बिफोर आई स्टार्ट माई सेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हेयर, बिकॉज आई नो यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, स्पेशली टू टेल पीपल कि जो कैनेडा के अंदर आने की एस्पायर कर रहे हैं अभी तक, अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं उनके दिमाग के अंदर। सो पीपल लाइक अस कैन रियली एड अ लिटिल मोर वैल्यू टू योर वीडियोज एंड टू योर कॉन्टेंट एज वेल। कमिंग बैक टू मी, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, आई एम फ्रॉम जयपुर। सिंस 2008 आई मूव टू मुंबई। आई डिड माई एंटायर यू कैन से प्रोफेशनल करियर इन बॉम्बे। आई परस्यूड माई MBA एज वेल फ्रॉम बॉम्बे 2019 in August 8th when I actually landed here in Canada. When I started looking out for Canada, initially the idea was just to move out. Honestly, like you guys, I never thought of getting into something which is to earn a lot of money and all that, but the most important thing was to get a work-life balance. Especially we all know, aap log Bombay se nahi ho, but people who will know who are from Bombay, जितना हम कम्यूट टाइम अपना स्पेंड करते हैं रोड्स के ऊपर, आई एसेंशियली यूज टू स्पेंड लाइक ऑलमोस्ट 1.5 to 2 hours वन वे ड्राइविंग टू ऑफिस। सो दैट यूज टू मेक मी इनसेन एट सम पॉइंट इन टाइम कि यार पूरा टाइम, मतलब दिन के 24 घंटे में से 4 घंटे तो रोड के ऊपर निकल रहे हैं, एंड देन कमिंग बैक यू आर टू टायर्ड, एंड देन यू एसेंशियली डू नॉट हैव योर फैमिली टाइम ऑल्सो। सो दैट वॉज वन ऑफ द बेसिक आइडिया टू मूव आउट फोर्सली। I started my process in 2017. I got my invite on 19th of December 2017. I submitted all my documents on 7th of March 2018. And I finally got my COPR on 10th of March 2019. So it almost took an year. उसके दो रीजन थे। पहला रीजन ये था, सो अगेन मेरे कन्वर्जन रेट के अंदर थोड़ा इश्यू हो गया था, तो जितना हम लोग को दिखाना था अपना प्रूफ ऑफ फंड्स, उसके अंदर $13 का डिफरेंस था, और बिकॉज उस टाइम कन्वर्जन ऑलमोस्ट 56 के आसपास पहुंच गया था, एंड द कैलकुलेशन वॉज अ लिटिल रॉन्ग। एंड सेकेंड वॉज जो रेफरेंस लेटर था उसके ऊपर जो डेट होती है, डेट ऑफ इशू, जब हम नॉर्मली एक लेटर लिखते हैं उसके ऊपर डेट ऑफ इशू जो होता है वो एक मिसिंग था करके। सो दोज वर सिली मिस्टेक्स दैट ऑफ इशू नहीं था इसलिए भी उन्होंने अगेन नथिंग अगेंस्ट एनी ऑफ द एजेंसीज, बट विद माई एक्सपीरियंस जब मेरे को इनवाइट आया था तब तक ही मेरी एजेंसी ने बहुत सारे यू कैन से मिस्टेक्स कर दी थी वगैरह ये सब, एंड देन आई सर्टेनली रियलाइज कि उनका कुछ नहीं जाएगा, मतलब वट एवर आई विल हैव टू लूज आई विल लूज फॉर माई सेल्फ, दे विल नॉट लूज एनीथिंग बिकॉज दे ऑलरेडी हैड मनी विच आई ऑलरेडी पेड टू देम। लकीली आई पेड जस्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, and then I hold myself, I was like ki whatever I've studied so far, I think I can take this process ahead by myself. So I think the second installment I did not pay to them, and then I after my invite jo bhi kuch tha I took it by myself. Jo bhi documents jo prepare karne the wagaire wo sab initially wo help kar chuke the meko, I had to proofread myself, but again there was a little mistake, but to be very honest, you don't need any of the consultant. So Prateek, you landed in August last year, right? So jab aap land kare, to what were the, like, tab COVID nahi tha, right? So pre-COVID, what were the challenges that you faced, and you know the problems that you had while you were settling down? Okay, so I must say ki
वी ऑल लिव इन दिस एरा जो इंटरनेट का है करके, एंड पीपल लाइक यू हु कीप अपलोडिंग वीडियोस, देयर आर पीपल हु गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो मैंने भी जब फाइनली प्लान किया था, जब मैंने टिकट्स बुक किए थे मेरे कनाडा आने के लिए, उससे पहले मैंने बहुत रिसर्च किया था. मेरे को ये पता था कि मुझे ओंटारियो के अंदर आना है, मुझे ये पता था कि मुझे ओंटारियो के अंदर जाके कहाँ सेटल डाउन होना है. आई ऑब्वियसली हैड 2-3 ऑप्शंस. सिमिलरली मैंने ये बहुत चीजें पढ़ के रखी हुई थी कि कैसे आपको अपने एयरबीएनबी बुक करने हैं, आपको कैसे जॉब्स मिलती हैं, क्या करती हैं करके. सो टू एन एक्सटेंट आई वॉज प्री रेडी टू से कि अगर मेरी इनिशियली 2-3 महीने तक जॉब नहीं होगी, आई हैव सफिशियंट फंड्स टू सर्वाइव. लकीली हमारे केस के अंदर ऐसा था, वी हैड फ्यू फ्रेंड्स हेयर जो हमारे लिए थे कि दे वर एक्साइटेड टू बी हेयर. When we came here, they were ready there to pick us up. We were there at their place for a couple of weeks and some days. उसके बाद we took up our own place. हम लोगों ने भी एक basement लिया. We also booked a basement. What we really want to understand is because you both have already jobs. What is it that actually got you those jobs? Is it these platforms or is it referrals or what is it exactly that? Okay, so I must say initially when I started looking out for my jobs, I only went through LinkedIn and Indeed, of course. Right. So I did got few offers. I may say a couple of offers initially, but that was a problem ki when they looked into my resume, I was surprised ki they said I was overqualified. So which is why I couldn't get that jobs. So I kept searching for few other jobs as well. Ek do jagah aur interviews bhi diye. I attended couple of job fairs as well. I posted my resume there as well. But unfortunately wahan se mujhe koi call aayi nahi. But then I started realizing ki jo major jobs agar aapko aaj chahiye aaj ki date ke andar, so more than you search for a job, if you search for your references, that makes a lot of difference. Right. Likewise, when we find jobs in India, like especially into like management again, you always need people to know you first. Right. Because management jobs aapko hamesha tab milti hai jab obviously skills aapke hote hain, but there are no skills yahan pe aapko ye bol sakte hai ki bhai haan ye isme isko ye coding aati hai, so that means he knows. Right. Isko ye cheez, isko java aata hai, to he knows. The only idea is you will get job offers. I am not saying you cannot get job offers from through LinkedIn, through Indeed or whatever. Mm-hmm. But my only suggestion is ki more than you find jobs, you start finding your references. Because me and my wife, we both got jobs through references. Okay. Sorry, I don't know if I asked this or you told this. How much time did it take for both of you to get a job, like after coming in August? Well, first 2-3 hafte hum logon ne pura zor laga diya tha ki job mil jaye. But again, kuch rejections the, sab kuch tha karke. So, hamare paas already references ready the. We had few friends who were already working with the company. Plus, we had other people also jin jo hamare purane companies se the, via friends jo the ya LinkedIn pe humko jo connections mile the karke, we started talking to them. Thankfully I think September 3rd se I started working with the company, because mere interview ho chuke the, 3-4 round ho chuke the complete uske baad, and I started working with September 3rd. And my wife, I perhaps believe September, somewhere in mid of September, she started working as well. So we were lucky enough. Ek se ded mahina, we were lucky enough. Nice. Because again, we emphasized more on our references than getting into, because hum side by side koshish kar rahe the. Aisa nahi hai ki hum references the, to hum bas unke upar committed the ki humko job mil jayega karke. But we were trying both the sides. कि भाई यहाँ पे भी interviews देते रहेंगे LinkedIn के through and plus references के through भी. अगर job profile पसंद आया, सब कुछ पसंद आया, तो we'll take either of the situations जो भी हमारे सामने आती है करके. बार बार सुनने में आता है कि ये Canadian style resume is very important and you know Canada experience is very important. So how true what is that? Your take on like, that? What's your experience? Okay, so firstly, मैंने भी पढ़ा था इंडिया के अंदर बैठ के कि रेज्यूमे पूरा कनाडा स्टाइल का बनाना चाहिए करके. वो जब मैंने गूगल किया तो मुझे कुछ डिफरेंट नहीं था. वहीं नाम अभी भी ऊपर ही था, सारे के सारे डिस्क्लोजर्स वैसे के वैसे ही थे, वही बॉक्सेस थे, सब कुछ वो था. तो मुझे समझ में नहीं आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे होता क्या है करके.
So I moved on with my same resume style. I did not change anything, to be very honest. In fact, LinkedIn profile भी अगर मैं देखूंगा तो मैंने अपनी कभी भी change नहीं करी, कुछ भी नहीं किया उसके अंदर, differences कुछ भी नहीं थे करके. In fact, the first couple of job offers which I got was basis my regular resume which I used to use back in India. In fact, मैं जो दो job fairs के अंदर गया वहाँ पे भी मैंने जो अपने resume post किए वही same format जो मैं India में use करता था वही same format मैंने use किया. So there was nothing I may say कि मैंने कुछ change नहीं किया कि ये Canadian style resume होता है, because आज दिन तक इतना time spend करने के बाद भी मुझे नहीं पता कि Canadian type resume क्या होता है करके, to be very honest. How about, you know, past Canadian experience? A lot of companies, do they actually ask for it or are they looking for something else? Yes, I may say I totally agree. Yes, they do ask. अगर आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस है so it is for sure कि आपके पास कोई ना कोई references होंगे जो आपके आपके बिहाफ पे बता सकता है what kind of personality you are. Right. Because ethics और customers को how to treat customers is a very important thing in this country. How much ever qualified you are, how much best person you are, अगर if you don't have ethics, if you don't have the way to treat people, to customers, none of the country will be, you know, put forward to hire you. So, ये बहुत important है, अगर आपके पास कुछ Canadian experience है, ये, they understand कि आपके पास कोई ना कोई references हैं, और वहां से, they can always take a feedback, कि this person is joining us, and how was his conduct, and how was his personality when he was working with you guys. So, yes. I feel that's a very like a relevant thing, because जब भी मैंने IT का भी दिया, coding दिया, meeting with the, you know, the senior team as well, but then एक ना HR वाला angle at the end आ ही जाता है, because they want to know what kind of a personality you are, if you'll be able to gel in with the team, if you'll be able to, you know, connect. So soft skills यहाँ पे बहुत important है. But ये situation वो egg और hen वाली है करके कि कौन पहले आया करके, because आपको पहले job चाहिए तो you don't have one Canadian experience and all that. So it's always tricky, to be very honest. It's always tricky कि आपको job पहले कैसे मिलेगी करके. So it highly depends on the way you portray yourself in front of your employers when it comes to giving your interviews and all that. So it's very important. And how about job fairs? So I heard that you went to a few job fairs. What was your experience? How important is it? See, it becomes an important part of your journey, because जब आपके पास job नहीं होती है, so you always want कि एक roof के नीचे जब आपको 15-20 कंपनियां मिल जाए, तो you always have an opportunity to post your resume, rather than LinkedIn पे बैठ के आप wait करते रहो कि कब आपको कोई call करेगा वगैरह ये. Although I was never get benefited out of it, but at least मेरे को एक perspective मिला था कि जब मैं वहाँ पे गया था, I could understand कि कितने सारे candidates हैं जो apply भी कर रहे हैं करके, what kind of companies who actually exist. क्योंकि आप LinkedIn पे जाते हो, आप Indeed पे जाते हो, आप जितना भी अपने research करते हो, you perhaps may not get into all possible kind of companies. Exactly, my idea to attend those job fairs was obviously to, अगर मेरा कुछ crack हो जाता है job को लेके, plus to understand कि भाई और कौन-कौन सी companies हैं जिसके अंदर I can also apply. Initially, I started working as a part-timer, hourly basis के ऊपर part-timer था. I had only 24 hours a week. Luckily, my wife had a full-time job. So, but obviously, COVID का कोई नामो निशान नहीं था उस time पे. We were only focusing on what we were doing. Gradually, jobs के अंदर Indian experience काम आ रहा था, hard work काम आ रहा था. People do honor a lot अगर आप अपना काम बहुत honestly करते हो, सब कुछ करते हो, तो somewhere we both got a little progress, I must say, in the span of 3 or 4 months. मेरी wife को थोड़ा you can say promotion kind of thing हो चुका था profile के अंदर, not by money but profile के अंदर हो चुका था करके. हाँ, she took a better position in the company. Okay. Likewise with me also, मेरे को भी full time convert कर दिया था company ने, and we were doing good enough. So that was the time जब हमारे expenses कम थे हमारी earning से, and right. We were saving good amount. I must say within 4 to 4.5 months we could realize कि whatever we were earning we were saving good enough money. बहुत सारे लोगों को हम तो अपना तो स्टोरी बताई चुके हैं कि कोविड में we actually landed here and how we are dealing with it, but you guys already were getting settled.
सो हाउ इज इट डिफरेंट फॉर यू गाइस अब कोविड आने के बाद? हमारे केस के अंदर ऐसा हो चुका था, प्राची गॉट जॉब, प्राची स्टार्टेड वर्किंग वर्क फ्रॉम होम, तो उसके लिए बाहर जाना नेसेसरी था नहीं, एंड सिंस आई वाज इनटू सेल्स सो माय कंपनी हैज आस्क्ड मी टू स्टे एट होम. लकीली कंपनी वॉज पेइंग मी फॉर वट एवर आवर्स आई वॉज बीन कमिटेड टू देम. आई वी वर लकी कि हम दोनों के केस के अंदर नंबर ऑफ आवर्स जो थे वो कट नहीं हुए थे. सिंस प्राची वॉज वर्किंग फ्रॉम होम तो उसके लिए जो नंबर ऑफ आवर्स थे वो एग्जैक्टली सेम थे करके, सो देर वॉज नो डिफरेंस इन दैट इन दोज टर्म्स. आई वॉज बीन आस्क्ड टू सिट एट होम विद पेड, यू कैन से पेड लीव्स, सो देर वॉज नो नो चेंज इन दैट सिचुएशन. However, when I joined back, it was a routine again. So I started working again from the past couple of weeks, and it's a routine again for me and for Prachi as well. So nothing has changed for Prachi so far because she's still working the same way from work from home and all that. हमारे चैनल पे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही बताते हो यार, कुछ मतलब वो भी कुछ खराब भी तो होगा ना कनाडा का. सो वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैव फेस्ड. ये है ना, मैंने नोट्स बनाए थे, अच्छा आपको तो उल्टा दिखेगा, सॉरी. मैंने कोशिश करी थी डोंट लाइक अबाउट कनाडा, ठीक है, एंड आई लिटरली थॉट कि मैं क्या लिखूं इसके ऊपर. आई लिटरली थॉट कि मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलते हो, तो एज अ पर्सन कि मैंने सोचा मैं कुछ नेगेटिव लिखने की कोशिश करूं. आई कुडंट राइट मोर देन टू लाइन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उन दो लाइनों के अंदर में भी अगर मैंने कुछ लिखा है तो ये लिखा है दैट आई मिस माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. जो आप इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कैनेडा, आप कहीं पे भी जाओगे तो ऐसा ही होगा. एंड द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट कैनेडा, विच आई परहैप्स बिलीव इट इज अ वेरी टेम्पररी फेज, जब आप आते हो कैनेडा के अंदर एंड द काइंड ऑफ जॉब्स आप जो छोड़ के आते हो, एंड इनिशियली वेन यू हैव टू स्टार्ट अगैन टू प्रूव योर सेल्फ, अनफॉर्चुनेटली उस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता इनिशियली बिकॉज वो बहुत ऑब्वियस है. आप कोई नई कंपनी में भी जाते हो इंडिया के अंदर तो you have to prove again what your achievements are, what you can bring to table to the company. ye do cheeze hain, I think temporary phase hai ye wala, to ki aapko consideration nahi milti initially, otherwise lifestyle aap le lo, aap weather le lo, aap you can say how much do you earn, how much do you spend. I so far do not have any regrets, like especially after 10 months I must say the amount I have started saving is it's more than what I used to save back in India. Every coin has two different sides. There's always pros and cons. I may not say Canada is the perfect place to be in because no place on this earth is a perfect place. But if there are pros, there are cons, there are much more benefits in this country. So, ये थी कनाडा की कहानी प्रतीक की जुबानी. So guys, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जाना एंड कमेंट्स में बताना whether you like this video or not. हम और इंटरव्यूज भी हमारे लाइंड अप हैं, हम करें कि ना करें, बोरिंग था, इंटरेस्टिंग था, सो डू टेल अस इन दी कमेंट्स एंड वील सी इफ यू वांट टू डू मोर इंटरव्यूज और नॉट. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.